नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले काफी समय से समान काम के बदले समान वेतन की मांग पर अड़े हुए हैं और इसको लेकर वो पिछले काफी दिनों से हड़ताल पे है। हड़ताल होने की वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वह एकदम चौपट सी हो गई है। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो है वह एकदम ठप सी हो गई है। ऐसे में अब जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, जो ग्राम पंचायत के हो चाहे जिला स्तर के हो, वो सब भी शिक्षकों के समर्थन में उतरने लगे हैं। आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर वैशाली जिला के पातेपुर ब्लॉक के BRC कैंपस के, जहां पर शिक्षक पिछले काफ़ी समय से धरना पर बैठे हुए हैं। ये सभी समान काम के बदले समान वेतन की मांग करते हैं। इस दौरान शिक्षक क्या कुछ कहते हैं, पहले आप सुनिए। मांग कर रहे हैं और उनको लेना ही पड़ेगा और ना देने का सवाल ही नहीं। बस हमारा जो आंदोलन है उस पर हम अड़िग रहे हैं, हम अपनी मांगों पर अड़िग रहे हैं और जो हम अपनी एकजुटता दिखाते हैं उसको और जोर करने की गुंजाइश है और हम लोग और तेजी के साथ बढ़ेंगे। इसी कड़ी में हम कहना चाहते हैं माननीय से, हाय अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। हाय अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो ये चेहरे नीतीश कुमार बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका खून से निकलना चाहिए। जो आप काम देते हो उसमें एकदम पटाखा लड़ाता है, आप डिग्रियां पीटते हो पूरे भारत वर्ष में। मैंने शिक्षा का एकदम स्थिति को सुधार दिया है, बच्चों को ला दिया। तो आपने सुना, शिक्षकों ने सरकार से समान काम के बदले समान वेतन की मांग की है और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनके सामने झुक नहीं जाती। वहीं अब शिक्षकों के समर्थन में जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो भी उतरने लगे हैं। अब जिला पार्षद जो होते हैं वो भी अब इनका साथ देने लगे हैं। स्थानीय जिला पार्षद तारक चौधरी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा आप ये भी सुनिए। काम के लिए दो तरह के वेतन देना, ये इंसाफ का इनका दोहरा चेहरा को दर्शाता है। हम जानते हैं सब लोग देश की सेवा अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन आपका जो सेवा है, आपका जो काम है और उठिए है, आप ही के द्वारा देश का अगला भविष्य निर्माण होता है। अगला भविष्य का डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, नेता पैदा होता है, ये आप ही के द्वारा होता है। और आपके जैसे लोगों को उपेक्षा करके सरकार अपनी मानसिकता को दिखाती है कि वो किस मानसिकता की है। तो बिहार में कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो आंदोलन है लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले को लेकर कब सुनवाई करती है, क्या कुछ इस पर नए अपडेट्स आते हैं। तमाम चीज़ों से लेकर हम आपको अपडेट करा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।